के लिए भी। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मौसमी मलिक। और आप लोग कैसे हो? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 26 जनवरी और आज सरस्वती पूजा भी है 2023 का। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के पास। मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कुछ नोटिस कर रहे हो आप इस वीडियो में? जी हाँ, कोको प्रेग्नेंट थी पक्का, या कोई भी डॉगी का 60 to 62 डेज के अंदर बेबी वो लोग डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन मेरे बेबी का प्लान का कुछ अलग ही हुआ है। इसका तो 4-5 दिन पहले ही लिवर पेन चालू हो गया। पिछले रात हम लोग सोए नहीं, बहुत पेन था उसका, 1 मिनट भी नहीं सोई। आज सुबह सुबह ही कोको अपने डिलीवरी का प्रोसेस चालू कर देती है। तो मेरे लिए तो एकदम बिल्कुल नया है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से ये वीडियो शेयर करो। सबसे पहले कोको को एक कम्फर्ट जगह बना के दिया मैंने ताकि वो कंफर्टेबल रहे। और इसके बाद देखते ही देखते वो अंदर से मतलब पानी बाहर निकल रहा है और ये बेबी ऑलमोस्ट बाहर निकला है। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, हड़बड़ी हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर कुछ दिन पहले मैंने YouTube में देखा था किस तरीके से निकालते हैं और क्या करते हैं, तो उसी अंदाजे में मैंने धीरे धीरे हर एक प्रोसेस कर लिया। हाँ, हालांकि पहला प्रोसेस जो था फर्स्ट अटेम्प्ट, वो बहुत ज़्यादा ही घाई घाई में और घबराहट में मैंने किया है, लेकिन सही तरीके से मैंने किया। सबसे पहले बेबी को मैंने ड्राई टिश्यू से उसको पोंछा, उसके फेस को सबसे पहले पोंछा, फिर पूरा बॉडी को साफ किया ताकि गीला गीला ना रहे। उसके बाद उसका जो नर होता है उसको धागे से बांध के मैंने कट करके उसको अलग से रखा है। तो ये प्रोसेस जो है बेबी को निकालने के बाद से और रखने तक का जो प्रोसेस है मैं आगे दिखाया हुआ है 3rd या 4th बेबी के टाइम पे। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना तो आपको पता चलेगा जब एक डॉगी बच्चा देता है तो उसको किस तरीके से डिलीवरी कराना होता है, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ये हमारे नेबर है अंकल आंटी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी तो मैंने बोला सचिन आंटी और अंकल को बुला लो प्लीज़। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और ये अचानक मेरी नज़र गई, ये क्या है? मुझे लगा शायद सेकंड बच्चा अभी ही दे रहे, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये लोग गैप लेते हैं 1 या 2 घंटे का। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये जब भी कोई बेबी देता है उसके बाद एक अलग से बैग निकलता है जो फेंकना होता है। हालाँकि वो स्ट्रीट डॉग खा लेते हैं तुरंत, बाद में भी निकलता है बेबी के, या बेबी के साथ बेबी भी निकलते हैं, लेकिन निकलते हैं ऐसा। तब उसके बाद मैंने उसको बाहर निकाला और उसको फेंका। गाइस, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके बोल रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था। तो हाँ, ये दूसरा बेबी जो लड़का पैदा हुआ है, एक्चुअली मैं उसका वीडियो इसलिए नहीं ले पाई, मुझे लगा था कि 1 घंटा या 2 घंटे के गैपिंग में बेबी देता है, लेकिन ये बॉय 20 मिनट्स के अंदर ही आ गया है। और बहुत हड़बड़ी में, घबराहट में मैंने वीडियो तो छोड़ो, मोबाइल कौन पकड़ता है, पहले बेबी को बचाओ, ऐसा सीन हो गया। तो उसको सुखा के जो भी प्रोसेस था मैंने किया करके कोको के साथ थोड़ा सा उसके सामने दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको शायद समझ में नहीं आ रहा है, शायद वो थोड़ा टाइम ले। के बाद कोको वहाँ से उठ के कोना पकड़ रही है, इधर उधर जा रही है, मैं भी उसको कम्फर्ट रखने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और ये दोनों बच्चों को मैंने टैग लगा दिया फर्स्ट और सेकंड का, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता एक जैसा ही है। इतना खुशी हो रही है, क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। कोको की फर्स्ट बच्चा है ना, तो कोको इसलिए शायद डर रही है और वो सूखने की कोशिश कर रही है, कहीं पे बैठने की कोशिश कर रही है। तो जैसा कंफर्टेबल रहना चाहती है मैं वैसा ही छोड़ना चाह रही हूँ आज। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो डरे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर रही है, बच्चे को ले भी नहीं रही है, चाट भी नहीं रही है, दूध भी नहीं दे रही है, अकेले रहने की कोशिश कर रही है। तो इसको मैं अभी फ्री कर दिया, देखती हूँ क्या होता है। भूख लगा उनको, वो रखो बोलते बाबू तो माँ झाला ना, माँ बन गई, मेरा बच्चा माँ बन गई, और मेरा बच्चा मेरे लोग की माँ। बहुत टाइम के बाद अभी वो मतलब फीडिंग करने दे रही है, अब तक नहीं दे रही थी, डर रही थी, बच्चे को चाटा भी नहीं। अब जब पहला बार उसने मतलब मुंह में लिया ना दूध पीने के लिए, तब जाके चाटी और अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, नहीं तो ये नॉर्मल भी नहीं थी, बहुत डर रही थी। अभी इसको शायद फील हुआ मैं माँ बन गई,
रोई भी, आँख से पानी भी निकाला, कोई नहीं बाबू, मैं इधर ही बैठी हूँ, मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के, ओके। कोको की बीबी, हम लोगों ने देखा था चार, जब अल्ट्रासाउंड किया था तो हम लोगों को पता चला चार से ज़्यादा बेबी है, दो बेबी तो 20 मिनट्स के गैपिंग में दे दिया, अब थर्ड बेबी कब देगा पता नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं थर्ड बेबी का, लेट्स सी क्या होता है। नो 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 कोको, अरे 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 अरे, ये तो अलग ही माँ है भाई, चली गई। ये मेरा कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला है ये, अरे मिस्टर सेकंड वन। कोको तीसरा बेबी बिंग बैग में ही दिया, वो तकरीबन 40 से 45 मिनट के गैप में दिया उसने, तो मैंने बेबी को इस तरीके से निकाल के पेपर में रखा और फिर जितना जल्दी हो सके उस बेबी को बाहर निकालना, मतलब एक स्किन जैसा लेयर रहता है बेबी के ऊपर, उसको मतलब उसको फाड़ के फिर निकालना होता है, तो मैंने फटाफट वही किया, उसको देखो स्किन दिख रहा है आपको, हाँ ये लेयर से उसको बाहर निकालना होता है, वहाँ पानी भरा हुआ रहता है, फिर जितना जल्दी हो सके आप ड्राई टिश्यू से उसका फेस पोंछो, क्योंकि वहाँ पर इतने सारा पानी पानी जैसा रहता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और पग वैसे भी इस उसका नाक बहुत छोटा रहता है, तो बहुत जल्दी जल्दी मतलब उसका फेस पोंछ रही हूँ, पूरा बॉडी को जितना गीला था गीला गीला वो सब पोंछ के उसको थोड़ा ड्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके बाद उसका जो नाभि होता है जो काटना पड़ता है, वही जो मैं बोल रही थी नार बोलते हैं, तो हाँ तो सबसे पहले मैंने उसको सुखा लिया बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने वो जो नार दिख रहा है आपको नीचे से, हाँ वो इतने सारे वो सब लगे हुए रहते, पता नहीं उसको क्या बोलते भाई, जो भी है मैंने देखा कि वो टिश्यू से ज़्यादा गीला ही दिख रहा था, सूख नहीं रहा था, तो मैंने मेरे कपड़े से एक टी शर्ट था बहुत ही क्लीन था वो टी शर्ट, आप जो भी चीज़ से पोंछोगे आप मेक श्योर रहना कि वो क्लीन रहे, तो मैंने एक टी शर्ट से उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके बाद ये जो नार है ना, नाभी बोलते बंगाली में, तो उसको मैं धागे से टाइट से बांधूंगी, दो तीन बार बांधूंगी, ताकि वो जो काटने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, उसके बॉडी का ब्लड वहाँ से ना निकले, तो मैंने इस तरीके से उसको बांधा, बांधने के बाद उसके एक दो उंगली छोड़ के, बांधने का एक दो उंगली छोड़ के नीचे उसको मैं कैंची से ऐसे काट दूँगी, आप भी इस तरीके से काट देना, फिर उसके बाद उसको और अच्छे से मैंने उसको ड्राई कपड़े से पोंछा, और उसका ना आवाज़ कम आ रहा था और थोड़ा सा वीक लग रहा था, तो मुझे डर भी लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर दे के पोंछा मारा तो उसका आवाज़ निकला। अभी उसकी मम्मी जो है ना वो बिंग बैग के अंदर बैठी हुई है, उनके पास चाटने के लिए ले जाऊंगी थोड़ा सा, ताकि उसको फील हो, ये जो है ये काटना होता है और ये ऑटोमेटिकली दो दिन एक दिन के बाद सूख के नीचे अपने आप निकल जाएगा। ये बाबू ये तो थर्ड बेबी है सोनू, थर्ड बच्चा है पापी का, गुड गर्ल। ये फोर्थ नंबर है और ये लड़की हुई है, और ये इतना मतलब इमरजेंसी में हो गया कि मैं वीडियो भी नहीं ले पाई, लेकिन अच्छे से हुआ, और ये पहली लड़की है तीन लड़की के बाद, लड़की अंदर ये जाओ। ये कोको का पांचवा बच्चा है जो लास्ट वाला है, और इसके टाइम पे कोको को बहुत तकलीफ़ हुआ है, लिटरली बोलते हैं ना ताकत ख़त्म हो जाती है बॉडी में और ज़बरदस्ती ताकत लगानी पड़ती है, वो वाला फील हो रहा था मुझे, और वो बहुत ताकत लगा रही थी लिटरली, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे, बट क्या ही कर सकती हूँ मैं, तो कोई ऑप्शन नहीं था। और ये पांचवा बच्चा है जिसमें कोको को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि होता है ना चार बीवी दे चुकी है तो बॉडी में रहता ही क्या है, तो बहुत तकलीफ़ हुई है, अब क्या ही कर सकती हो, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कोशिश किए जा रही थी और मैं उसको पकड़ के थोड़ा सा बोलते ना हिम्मत देने वाला सीन वो हो रहा था, तो सडनली वो बीबी आया, और ये वीडियो में मैंने आपको अच्छे से वीडियो लेके दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि इस टाइम पे वीडियो लेने के लिए मौका मिला मुझे, तो मैंने आपको निकल
से लेके और कैसे क्या करते हो पूरा प्रोसेस अच्छे से सामने से जूम करके वीडियो दिखाऊंगी। तो ये बेबी कम से कम ऑलमोस्ट 2 घंटे तकरीबन बाद हुआ है ये बेबी। और सेम प्रोसेस देखो, मैंने उसको पूछा, अब उसका मैं फिर से वही ड्राई कपड़े से और एक बार पूछूंगी ताकि उसको सुखाऊं, एकदम से सूखा होना चाहिए और ये बहुत कमज़ोर हुई है पैदा। फिर उसके बाद जैसे कि अपने पीछे वीडियो में देखा है किस तरीके से उसको ड्राई करने के बाद फिर नर कट करके नाभि कट करके फिर अच्छे से रब करके फिर मैं वो बकेट में डाल दिया। चिल्ला रहे बब्बा, ये बच्चे अभी मेरी सबसे बड़ी बात है, मेरी बाबू ठीक है, कोको एकदम ओके है, कोको डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ डॉक्टर के पास जाना है, जाएंगे सबको लेके, यस कोको अभी डॉक्टर के पास जाएगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल कोको को चेकअप कराने कि फीवर है कि नहीं। हम लोगों ने चेक किया था, फीवर तो था नहीं, बट फिर भी एक बार और 5 बेबी दिया, पता नहीं अंदर है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक बेबी निकलता नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला हम लोग चेक कर लेंगे, अगर रहेगा तो इंजेक्शन दे के निकालेंगे, अदरवाइज देख लेंगे वजन कितना है उसका, वेट कितना हुआ है, फीवर है कि नहीं, और एक बार उसको अच्छे से चेकअप कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, सारे बच्चे को फीडिंग करा के घर पर रख के आई हूँ, घर पर सचिन की मॉम आई है, मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ, और हमारे पास देर से 2 घंटा है, वापस जल्दी रिटर्न जाना है फिटिंग के लिए, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। थोड़ी सी थक गई है और टेंशन हो रहा है इसका, इसने गर्म दूध पिया है हल्दी वाला, खाना नहीं खाई, खाना लिया था, अभी देखते हैं। कैसे बेबी दिखा रहे आपको? नहीं करते, नहीं नहीं 4 5 गुड स्कोर, होता है माँ बच्चे चिल्ला रहे तो माँ कैसा कर रही है देखो। कोको आंटी आए, आंटी 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 आला, आंटी अरे आंटी आला, कोको की फेवरेट आंटी और अंकल। तो अंकल आए थे तो बेबी को दिखाया वो खुद सामने जाके, अभी आंटी को भी दिखाएगी, बहुत खुश है कोको। और सारे बच्चे हेल्दी है, कोको भी हेल्दी है, सब ठीक है, बहुत अच्छे से हुआ, कोको भी खुश और हम सब खुश। तो गाइज आप इस तरीके से घर पे अपने बैठ कर डिलीवरी करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और जो भी दिक्कत आने वाली सीन होती है वो डॉक्टर आपको बता देंगे, लेकिन हमारे कोको का ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं है, तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हो गया है, और अब आगे बहुत जल्दी दिन कट जाए और ये बड़े हो जाए, यही चाहते हैं।